हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड, आप सभी को पता होगा सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं। अब किस तरीके से आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, इंटरनल बेस पे कैसे मार्क्स मिलेंगे और स्टेट बोर्ड का क्या होगा, सो ये सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। स्किप मत करना वीडियो को, शेयर कर देना ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं सबसे पहले तो बात करता हूँ क्लास 12th बोर्ड के रिगार्डिंग। सभी को पता होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके 12th बोर्ड कैंसिल कर दिए गए हैं सीबीएसई ने, और उसके जस्ट बाद जो आपका आईसीएसई बोर्ड है उन्होंने भी अपने एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। सो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब लोग सीबीएसई को फॉलो करने वाले हैं। गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड, बिहार की बात नहीं करूँ क्योंकि बिहार में ऑलरेडी एग्जाम हो चुके, तो उसका तो कुछ अब नहीं होगा। बट ये तीन स्टेट ऐसे हैं, और भी स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ ने अपना फैसला पहले ही बता दिया है। और तीन स्टेट के बाद बात करता हूँ। गुजरात के अंदर तो मतलब ऐसा लग रहा है डेट शीट भी आ गई, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या डिसीजन आ सकता है। आज कुछ ना कुछ डिसीजन आने वाला है इन सभी स्टेट्स के अंदर, जैसे महाराष्ट्र में आ सकता है। और मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था जो यूपी है ये डिपेंड हो रहा है पूरा सीबीएसई पे। अगर सीबीएसई के अपने एग्जाम कैंसिल करता है तो यूपी भी कैंसिल कर देगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसने अपना कोई भी डिसीजन दिया ही नहीं था कि वो एग्जाम लेगा या कंडक्ट कराएगा, वो डिपेंड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ सीबीएसई पे डिपेंड था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली और यूपी कहीं ना कहीं अटैच है भाई, एक साथ ही है। सो लग रहा है ऐसा है कि आपके जो यूपी के एग्जाम है वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे प्रोबेबली। मतलब आपको चांस बताऊं तो मैं 95% चांस होंगे अगर यूपी एग्जाम कंडक्ट होते हैं। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, योगी जी ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा फेवर में जाओ सीबीएसई के। बाकी अगर नहीं भी होते हैं कैंसिल, अगर कुछ स्टेट इसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर हमारे पास है ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन थर्सडे तक आ जाएगा, सभी को पता है उसकी हियरिंग है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे सीबीएसई ने डिसीजन ले लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो फेवर जा रहा है वो कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि भाई सीबीएसई इतना बड़ा जब डिसीजन ले रही है अपने एग्जाम नहीं कराने का, तो कहीं ना कुछ सोच रही होगी। जैसे हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि भाई सेफ्टी पहले है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की। भैया स्टूडेंट की सेफ्टी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो एग्जाम कैंसिल करे गए हैं। सो अगर ये स्टेट एग्जाम कैंसिल नहीं करते हैं, सो हो सकता है कि ये थर्सडे तक का वेट करें, अगर कल कोई ऐसी न्यूज निकल के नहीं आती है। वैसे लगता है कि कल ना कोई ऐसी ऐसी न्यूज आ जाएगी, सो मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगा, वीडियो बना के सबसे पहले अपडेट करूंगा, इंस्टाग्राम पे भी करूंगा और यूट्यूब पे तो करूंगा ही करूंगा। और आज कोई ना कोई मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है स्टेट्स के रिगार्डिंग। हो सकता है महाराष्ट्र अनाउंस कर दे, अगर हो सकता है गुजरात भी कर दे, और भी स्टेट हैं, यूपी भी कर सकता है। सो जो भी अपडेट आएगी आपको चैनल पे अपडेट करूंगा, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब करके रखा करो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरीज के आंसर मैं इंस्टाग्राम पे जरूर देता हूँ। अब बात करते हैं आपके एडमिशन के रिगार्डिंग कि भाई अगर सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा तो फिर एडमिशन कैसे होंगे कॉलेज। सो गाइस, कॉलेज में जो एडमिशन है ना उसका थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा टिपिकल हो गया है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। दो तीन दिन पहले भी एक ड्यू का ऑफिशियल नोटिस आया था, मतलब कुछ ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पर, उन्होंने ऐसे नोटिस किया था अगर 12th बोर्ड नहीं होगा तो सीयूसीटी कराना पड़ जाएगा। सो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल होगा, जैसे पहले मेरिट बेस पे होता था ऐसे होगा। सो इस चीज को देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो कि स्टूडेंट के फेवर में होगा, सभी स्टूडेंट के फेवर में होगा, राइट। सो सीयूसीटी का भी चांसेस थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, लग रहा है कि उसकी जो सर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सीयूसीटी कंडक्ट हो सकता है। सो प्रिपरेशन करते रहना, मैं ये नहीं कह रहा सब चीज पढ़ लेना, जो मैंने आपको सीयूसीटी के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है ना, क्या सिलेबस है उसका वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आई बटन पे भी दे रहा हूँ, जाके देख लो कैसे प्रिपेयर करना है, जनरल पेपर की कैसे प्रिपरेशन करनी है, और साथ में आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, मैं आपको खुद ऑनलाइन पढ़ाने लग जाऊंगा बस। तो बाकी आपकी जनरल पेपर की तैयारी तो मैं करा ही दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आप चेक करना, अगर आपसे तैयारी होती तो नहीं होती तो मुझे बता देना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी के लिए मैं बैठा हूँ डेफिनेटली। सीयूसीटी के होने के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं, अब सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो कुछ दिनों में हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन आ जाए सीयूसीटी के रिगार्डिंग। सो जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि भाई मुझे बीकॉम करनी है, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, सो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना शुरू कर दो, ये मत सोचो ठीक है एक दो दिन मजे करो, लेकिन अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू करो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो शुरू हुआ है यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने। सो ये अपडेट थी मैं आपको जो दे रहा था सीयूसीटी के रिगार्डिंग, क्वेरीज थी। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी क्वेरीज करते हैं लोग, आप भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
स्टेट बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी मीटिंग में या फिर कोई भी डिसीजन आएगा आपको जल्दी अपडेट करूंगा, चैनल पे अपडेट करूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखा करो और वीडियो को लाइक कर देना। बहुत खुशखबरी है, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो डिसीजन था वो आ चुका है। जैसा कि सबने बोला था 1 तारीख को डिसीजन आ जाएगा और 1 तारीख को भी डिसीजन आ गया। थर्सडे को देखते हैं क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, क्या हियरिंग में, क्या यूपी बोर्ड जो भी गुजरात बोर्ड है इसमें क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। अब मैं आपसे बात करता हूं आपसे मार्क्स के ऊपर, आपका रिजल्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। देखो गाइस, अभी क्या है, एक ऑफिशियल अपडेट नहीं है सो इसके लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ इस वजह से हो सकता है। आपको पता है जो लास्ट 3 ईयर्स के हैं इसके भी आप मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया कि भाई ये ऑप्शन रखा गया है, लास्ट 3 ईयर्स ले सकते हो, या फिर 11th एंड जो 12th क्लास में जो भी इंटरनल्स हुए हैं उसके बेस पे आप मार्क्स लगा सकते हो 12th क्लास के लिए। सो ये दोनों अभी लग रहा है मुझे इन पॉसिबिलिटी पे बात आ सकती है, या तो पास 3 ईयर्स होगा आपका कोई भी पास 3 ईयर्स जैसे 9th 10th 11th के आपके मार्क्स उसमें आपको 12th में दे दिए जाएंगे, और या फिर आपका 11th और 12th में 11th का पूरा स्कोर एंड 12th के जो भी इंटरनल्स हुए उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो ये तरीका हो सकता है आपको मार्क्स देने का, आपका रिजल्ट तैयार करने का। जो भी डिसीजन होगा जैसा भी होगा ऑफिशियल अपडेट आने के बाद आपको जरूर बताऊंगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था, जैसा कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता था। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे टिक कर देना, ताकि जब मैं अपलोड करूँ ना तो जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर बन जाओ, फर्स्ट व्यूअर वाले को मैं हार्ट देता हूँ। तो समझ रहे हो ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। Oh, oh, oh.